हेलो, स्वागत है आपका बबली सोना ब्लॉग में। आज हम लोग शाम का टाइम है और हम लोग जो है लौकी के पत्ता का जो है बनाएंगे पकौड़े। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लौकी का पत्ता तोड़ने के लिए। मैं अपनी लड़की को भेज रही हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, दूसरे वाले गेट से जो है खोल के जा रहे हैं और जो है यही बगल में जो है लौकी का पत्ता है। चार लौकी का पत्ता तोड़ना है। ये देखिए, ये देखिए, चार लौकी का पत्ता तोड़ेगी। अभी कैसे हम लोग इसका पकौड़ा बनाएंगे देखिए। दो पत्ता तोड़ चुकी है और चौथा पत्ता जो है तोड़ रही है। बस हो गया, अब चलो आ जाओ। देखिए, लौकी का पत्ता जो है आ गया है। अब हम लोग इसका जो है धो के और इसका पकौड़ा बनाएंगे। लौकी का पत्ता जो है हमने अच्छे से धो लिया है। और आप लोग मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को लौकी का पकौड़ा जो है कैसा लगेगा, आप लोगों को ये रेसिपी। और जो है मैंने पहले से ही प्याज काट के रख लिया हुआ है। ये देखिए, ये जो है बारीकी से हमने प्याज काटा हुआ है। और ये जो थोड़ा मोटा मोटा कटा हुआ है वो दूसरे चीज के लिए है। और हम लोग अभी इसे बारीकी से काटेंगे। इसको ऐसे पहले कर देते हैं, ये देखिए। और इसको हम लोग जो है बिल्कुल बारीकी से काट लेंगे। देखिए, पत्ता जो है कट गया और प्याज भी। अब हम लोग इसमें जो है कुछ कुछ मसाला मिला लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी मिला लेंगे जो हर खाने में मिलता है, इसे जो है कलर अच्छा आता है। थोड़ी सी जो है हम लोग मिर्ची मिला लेंगे और इससे ज़्यादा मसाला नहीं। ये जो है लहसुन और अदरक और काली मिर्च का जो है पेस्ट है। बंद कर, जो है हम लोग इसमें बेसन मिला लेंगे। ये देखिए, हो गया। और इसमें हम लोग नमक मिला लेंगे और इसमें हम लोग नमक डाल लेते हैं और इसको जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे। आज यही लौकी का पकौड़ा बनेगा जो मैं आप लोगों को बाद में बना के बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कढ़ाई को हम लोग रख दिए हैं गर्म होने के लिए और इसमें रिफाइंड डाल दे रहे हैं। और रिफाइंड जो है गर्म हो रहा है। देखिए, तेल जो है गरम हो गया है। इसमें एक छोटा सा डाल के हम लोग देख लेते हैं गरम हुआ है नहीं हुआ है। और इससे चूल्हे का जो है पूजा भी कर लेंगे। तो गरम हो ही चुका है लगभग। देखिए, ये हो गया। और इसको हम लोग जो है निकाल लेते हैं और इससे हम लोग चूल्हे का जो है पूजा कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है ये तेल में डालते हैं छोटा छोटा करके लौकी का पकौड़ी। देखिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। देखिए, जो डाल चुके हैं चार और ये पांचवा भी डाल चुके हैं। देखिए, पकौड़ी जो है एक साइड से जो हो गया है और इसको हम लोग जो है दूसरे साइड से पका लेते हैं। देखिए, अब दूसरे साइड से पकेगा और यहीं पे मैं अपने लड़की को दूंगी खाने के लिए और वो आप लोगों को बताएगी कि कैसा हो रहा है दूसरे साइड से पका के। देखिए, हम लोग जो है निकाल लेते हैं इसको। देखिए, हम लोग इसको निकाल ले रहे हैं और देखिए निकल गया। और मैं इस बचे हुए को भी डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए, बचे हुए को भी डाल दी मैं। देखिए, मैं डाल दी हूँ, दूसरा वाला भी हो जाएगा। और मैं ये जो है इसमें से एक जो दे रही हूँ अपनी बेटी को, इसको आप लोग चटनी के साथ खाइए और ये खा के बताएगी कि कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
देखिए इसको अच्छा लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग जैसा लगेगा वैसा आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, और अगले बार भी मैं एक लौकी का नया तरीका बताऊंगी पत्ते का, जो है पकौड़े बनाने का। नमस्कार।